नमस्कार, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं सुलोचन डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। 14 जनवरी से सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, और शनि भी जो है ऑलरेडी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि और सूर्य का शत्रुता भी है। तो मैं बताऊंगा आपको कि यह जो राशि का परिवर्तन है, यह मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन क्षेत्रों के लिए यह इफेक्टिव हो सकता है या डी इफेक्टिव हो सकता है, और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि इसका मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रिय दर्शकों, मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। 14 जनवरी को जो है ना, सूर्य ग्रह का राजा है। 8:15 प्रातः काल से लेकर के 12 फरवरी तक जो है रात्रि का 9:12 तक ये मकर राशि में रहेंगे। अब मकर राशि में जब ये रहेंगे ना, तो मकर राशि में शनि भी विराजमान है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य का जो शुभ फल होता है, सूर्य का जो गुण होता है, उसमें कमी आता है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। यानी मकर राशि में सूर्य जो है निश्चित तौर पे बहुत हेल्दी फील नहीं करता है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य भी जुड़ रहे हैं। तथ्य क्या जुड़ रहे हैं, पहले ये देखिए। 25 जनवरी तक मकर राशि में बुध भी विराजमान रहेंगे, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा। अभी गोचर में जो है शनि भी अस्त हुए हैं और बृहस्पति भी अस्त हुए हैं। अब ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब सूर्य का प्रभाव मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सूर्य मनुष्य के मस्तिष्क से लेकर के बहुत चीजों को अधिनिष्ठ करते हैं। तो ये जब आएंगे मकर राशि में, तो निश्चित तौर पे इसके बल में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन कुछ तथ्य समझने वाली बात है। जैसे कि देखिए कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 14 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये रहेंगे किस नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जिसके स्वामी खुद सूर्य हैं। यानी सूर्य मकर राशि में रहेंगे तो सूर्य के अशुभता प्रभाव में कमी आएगी। दूसरी बात, इसके बाद 24 जनवरी से 5 फरवरी तक जो है ये श्रावण नक्षत्र में रहेंगे। इस समय भी इसके स्वामी चंद्रमा है श्रावण नक्षत्र के, तो इस समय भी सूर्य के बल में थोड़ी सी कमी आएगी। इसके बाद फिर जो है 12 फरवरी तक जो है 5 फरवरी से सूर्य रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। यानी सूर्य प्रबल है, लेकिन देखिए सूर्य का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के अंदर जो आत्मविश्वास होता है, इंसान के अंदर जो उसका स्वाभिमान होता है, राजकीय सम्मान होता है, उसका कॉन्फिडेंट जो होता है, उसका जो तेज होता है, यानी जो व्यक्ति तेजस्वी होता है, ये सभी सूर्य के कारण होते हैं। इंसान के लोगों के बीच में जो है सम्मान की प्राप्ति होती है, लोगों के मध्य में किसी इंसान को विशेष तौर पे अच्छे तरीके से देखा जाता है, यानी लोगों के बीच में वो अलग दिखते हैं, तो ये सिर्फ सूर्य के कारण दिखते हैं। अब देखिए क्या है कि सूर्य मकर राशि में गुड फील नहीं करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य मकर राशि में जब जाता है तो व्यक्ति के तरक्की में बाधा आता है, मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर होता है, बुरी संगतों में पड़ने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन और उसका जो है कॉन्फिडेंट भी लो होने लगता है। इंसान कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क में आने लगता है जो नीच कर्मी होते हैं। तो अगर आपको नीचता सूर्य के अगर आपको मकर राशि के अशुभ प्रभाव के सूर्य से बचना है, तो नीचता प्रकार के लोगों से बचना चाहिए, आत्मविश्वास पे मजबूती रखनी चाहिए 12 फरवरी तक, और बुरी संगतों से बचना चाहिए। लेकिन हर ग्रहों का कहीं ना तो कहीं विराजमान होने से कुछ शुभ फल भी होता है। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर मकर राशि में सूर्य जाता है, व्यक्ति अपने आप को संयमित रखता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने पिता से तालमेल अच्छा रखता है, अपने संतान से तालमेल अच्छा रखता है, तो व्यक्ति को मकर राशि का सूर्य का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समझने वाली बात है। अब देखिए, यह जब मकर राशि में जाएगा तो सूर्य जो है मेडिकल से रिलेटेड, केमिस्ट से रिलेटेड, सुपरवाइजर से रिलेटेड, प्रबंधक से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, मेडिकल के क्षेत्र में जो डॉक्टर सर्जन से रिलेटेड, उन क्षेत्रों का ये सीधे कारक है। तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है मनुष्य के जीवन में यह जो है शरीर के बायां अंग को भी, हृदय, पीठ और साथ में जो है मस्तिष्क को भी नियंत्रित करता है। यानी मकर राशि में जाएगा तो सभी लोगों को अपने शरीर का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मकर राशि में सूर्य बहुत शुभ फील नहीं करता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी देखिए कि यह कृषि कार्य से भी रिलेटेड है, अनाज के काम से भी रिलेटेड है और कपड़े के काम से भी रिलेटेड है।
केमिस्ट या जो व्यक्ति सर्जन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उसके भी कारक हैं। तो आप सभी लोगों को इस समय बच करके किसी भी हाल में रहने की जरूरत रहेगी। अगर कोई भी समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है या परेशानी पूर्ण होता है तो मनुष्य को बहुत ही संयमित रहना चाहिए। अगर आप अपनी बुद्धि को अच्छा रखिएगा तो सूर्य का कोई भी अशुभता प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बात करना चाहता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले, मेष लग्न और मेष राशि वाले, क्योंकि सूर्य आपके कुंडली में पांचवें भाव के कारक होते हैं और शनि जो होते हैं कर्म और आय के भी कारक होते हैं। लेकिन अगर ग्रहों की स्थितियों की बात करूं, मैं बलाबल की बात करूं, तो पहला जो परफॉर्मेंस रहेगा वो सूर्य का ही रहेगा। तो सूर्य जो कर्म क्षेत्र में आपके मकर राशि में विराजमान होंगे तो नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, लॉटरी सट्टा के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंध में आपको स्थिरताएं बना करके रखनी चाहिए क्योंकि प्रेम से विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है संतान पक्ष या जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। पांचवा भाव मनुष्य के बुद्धि का भी होता है, पांचवा भाव जो होता है मनुष्य के जीवन में उसकी नौकरियों में सफलता का भी होता है। तो जिन लोगों को नौकरियों से टर्मिनेट की स्थितियां उत्पन्न कर दी गई थी, जिन लोगों को अस्थिरताएं जीवन में चल रही थी, इन सभी प्रकार की समस्याओं से दूर निश्चित तौर पर करेगा। समाज के कुछ लोग मान सम्मान में कमी कर रहे थे तो इन परिस्थितियों में आपको जो है निश्चित तौर पर लाभ देगा। कुछ नकारात्मक तथ्य भी आपको ध्यान देनी चाहिए। हालांकि सूर्य का जो है सातवां दृष्टि जो है वह चतुर्थ स्थान पर अवश्य पड़ रहा है जो संपत्ति और वाहन के लिए तो आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन कर्म क्षेत्रों में जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर हैं या आपके पिता हैं, इनसे आपको तालमेल अच्छे से बना करके रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में जाता है उसी राशि का तो नुकसान कर सकता है ना, उसी भाव का नुकसान कर सकता है। तो आपको पिता और अपने बॉसेस से अच्छे से तालमेल बना करके रखना है ताकि आपको लाभ मिले। अगर उपाय की बात मैं करना चाहूं तो आपको 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है मंदिरों में जो है कंटिन्यू हर रविवार को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके मैं बात करूं सूर्य का राशि परिवर्तन का, तो सूर्य आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे और आपके कुंडली के संपत्ति हाउस के भी मालिक होते हैं। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि शनि जो है त्रिकोण आधिपति और कर्म क्षेत्र के कारक होते हैं, लेकिन सूर्य जो है भाग्य स्थान में शुभ ही फल देता है क्योंकि भाग्य के अधिपति होते हैं बृहस्पति और बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं और सूर्य भी जो है साथ में विराजमान है बृहस्पति का, तो आपको भाग्यशाली बनाएगा, संपत्ति का सुख दिलाएगा, नौकरियों में जो बाधाएं हो रही थी वह भी ठीक कराएगा, माता के सुखों में वृद्धि करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। प्रमोशन और पदोन्नति और विदेश यात्राओं के बहुत ही अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास आपको बढ़ाना है क्योंकि मकर राशि में यह कम करेगा, तो कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस समय आपको किसी भी सीनियर से मतभेद नहीं करना है, धार्मिक क्षेत्रों का आपको जो है बदनामी नहीं करना, यह अपशब्द नहीं बोलना है, और 10 लोगों के मध्य में जो है अपनी ज्ञान के बातों को मुफ्त में नहीं लोगों को बोलना है, शांत से सुनना है, नहीं तो हो सकता है कि मकर राशि का सूर्य आपको थोड़ा नुकसान देने का प्रयास करे। तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो आपको इस समय एक ही उपाय करना चाहिए कि प्रत्येक रविवार के दिन जो है मंदिर में गेहूं का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी सूर्य राशि परिवर्तन की बात मैं करूं तो मकर राशि तत्व एक ग्रह सूर्य जो है वह आपके कुंडली के आठवें घर में विराजमान रहेगा, पराक्रमेश आठवें घर में आ जाएगा। हालांकि क्योंकि नक्षत्र इसके बहुत ही अच्छे हैं तो सरकारी कामकाज में आपको थोड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, उच्च शिक्षा हेतु या नौकरी में उच्च प्रमोशन हेतु थोड़ी सी सफलताएं आपको निश्चित तौर पर मिल सकती हैं। 25 जनवरी तक बुध आदित्य की उत्पत्ति के कारण जो है सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कोई भी घरेलू प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से मतभेद, पैरों का कष्ट की समस्याएं जो आपका चल रहा था उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि इस समय जो है प्रेम संबंध में स्थिरताएं आएंगी। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं और आपको बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है तो निश्चित तौर पे आपको जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलने को देखने को मिलेंगे। हालांकि विदेशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ी बाधाएं निश्चित तौर पे उत्पन्न होंगी, लेकिन इस समय अगर आप थोड़े से पेशेंस रखते हैं और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं
तो आपके अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। इस समय आपको अपने पैरों से रिलेटेड, अपने नेत्र से रिलेटेड विशेष ख्याल रखना चाहिए और किसी के भी अपवाद या किसी के भी झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पड़ते हैं तो नुकसान की संभावनाएं आपको हो सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए, आपको कंटिन्यू 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है प्रत्येक दिन जो है सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य को जो है नमन भी करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप भी करना चाहिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर सूर्य की राशि परिवर्तन की आपकी बात मैं करना चाहूं तो जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के सातवें घर में विराजमान हो जाएगा। प्रिय कर्क लगन वाले, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ग्रह का कुछ अशुभता प्रभाव ही शुभता में निश्चित तौर पर बदलता है। जब सातवें घर में सूर्य विराजमान होंगे तो सातवें घर का सूर्य दांपत्य को खराब करता है, नौकरियों में परेशानियां उत्पन्न करता है, अस्थिरता उत्पन्न करता है। लेकिन मकर राशि का सूर्य जो है वह बहुत ज्यादा मजबूती की स्थितियों में नहीं रहता है, अतः विवाह के लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी भी निश्चित तौर पर लाएंगे। नौकरियों में जो परेशानियां चल रही थी वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपके धनेश सप्तमेश हो जाने के कारण जो है प्रेम संबंध से विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। जिनके लिए विवाह की बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। लग्न में सूर्य का दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान की वृद्धि तो होगी, हालांकि नियंत्रण आपको क्रोध पे अवश्य करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको इस समय जो है पेट संबंधित हड्डियां संबंधित जो समस्याएं चल रही थी वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। हालांकि सप्तमी सूर्य जो होता है यह थोड़ा पेट संबंधित समस्याएं और थोड़े से चेहरों में फोड़ा फुंसी की स्थितियों को उत्पन्न करता है, तो आपको पेट की सुरक्षा और अपने फेस का विशेष ख्याल दे करके इस समय रखना चाहिए। सूर्य के अशुभता प्रभाव को दूर करना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में जो है प्रत्येक दिन जो है घर से निकलते समय जो है आपको सूर्य देव की आराधना यानी आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, सूर्य तो आपके लग्न के ही स्वामी होते हैं और मकर राशि में सूर्य का विराजमान होना थोड़ा सा भिन्नता को निश्चित तौर पर लेकर के आने वाला है। आपको छठे भाव में सूर्य तो निश्चित तौर पर कारक होते हैं तो आपको शत्रु से वृद्धि करवाएगा, कर्ज की मुक्ति के लिए विशेष योग की स्थितियां उत्पन्न करेगा। आप कुछ महंगे वाहन या महंगे संपत्ति खरीदने के चक्कर में पड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ पैसे आपके घट रहे थे तो वह पैसे का निश्चित तौर पर जो है आगमन होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। संपत्ति से रिलेटेड विशेष लाभ के योग आपको मिलेंगे और साथ में जो है कुछ लोगों से विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, किसी प्रकार का केस मुकदमा की संभावनाएं जो चल रही थी उसमें आप स्वतः ही विजय प्राप्त करेंगे और स्वतः ही आप जीतने वाले रहिएगा। इस समय एक अच्छा विवाह का रिश्ता भी आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि 12 फरवरी तक आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कुछ ऐसे ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे लोगों से नौकरियों में संपर्क भी होंगे या व्यापार में हो कि आपको सफलताओं के रास्ते की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा। इस समय एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी आपको देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति से या शत्रु से आपको भय लग रहा था या किसी बहुत फ्लैट्स वगैरह या घर वगैरह आप खरीद के रखे थे वह किराए पे नहीं जा रहा था, या फिर जो है अपने भी आपके कुछ पराये हो गए थे या नेगेटिव बात कर रहे थे, तो आपको सिंह लगन और सिंह राशि वाले इस समय यह सूर्य का मकर तो राशि में जाना निश्चित तौर पर लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। हालांकि मकर राशि जो होता है यह शनि का राशि और शनि वहां ऑलरेडी विराजमान है तो क्रोध की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, अतः आपको क्रोध पे इस समय विशेष नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। आप सूर्य के बल को अच्छा करना चाहते हैं तो यही प्रयास कीजिएगा कि प्रत्येक रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग करने के लिए और प्रत्येक रविवार के दिन जो है आप मंदिरों में जो है गेहूं का दान अवश्य कर दीजिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन मकर में जाने वाला की स्थिति में रहेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के मध्य में, तो आपके लिए कुछ लाभ के योग बनेंगे। वयस्क का पंचमेश होना कर्ज की मुक्ति के लिए लाभकारी रहेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश में किसी प्रकार के केस मुकदमा चल रहे थे उसमें आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। किसी प्रकार का समझ लीजिए कि आपको विदेशों में रहना है और आपको जो है पीआर वगैरह या ग्रीन कार्ड वगैरह में समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी उस समस्याओं को ठीक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि जिनको संतान प्राप्ति हेतु बाधाएं हो रही थी वह प्राप्त हो जाएंगी। कहीं पैसे फंसे हुए थे, पैसे निकल नहीं रहे थे, शेयर मार्केट वगैरह हो, लॉटरी सट्टा हो, उसमें भी पैसे नहीं निकल रहे थे, तो मकर राशि का सूर्य जो है आपको लाभ की प्राप्ति करवा देगा। सूर्य जो है मकर राशि में बैठ करके आपको पेट की समस्याएं बहुत दिनों से उत्पन्न कर रहा था, मानसिक तनाव बहुत दिनों से उत्पन्न कर रहा था,
तो शनि के बल को यह कम करेगा, क्योंकि मकर राशि में शनि पांचवें घर में बैठ करके आपके प्रेम संबंध को भी खराब कर रहा था, तो सूर्य जो है मकर राशि यानी शनि के बल को निश्चित तौर पे कम करेगा और आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्य का आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण कन्या लग्न और कन्या राशि वाले आपको विशेष धन की प्राप्ति भी करवाएगा, बड़े भाई बहनों से लाभ की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा, लेकिन गले में थोड़ा सा टॉन्सिल की समस्या निश्चित तौर पर दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के बल को और अत्यधिक बढ़ाने के लिए, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 25 बार सोच लीजिएगा। यह कोशिश कीजिएगा 12 फरवरी तक सावधान रहने की स्थितियों में, और किसी भी झांसे में आकर के कहीं किसी महत्वपूर्ण कंपनी में पैसे का इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आध्यात्मिक उपाय की ओर अगर चलना चाहूं तो 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है आदित्य हृदय स्त्रोतम का आपको पाठ करना है, और प्रत्येक दिन जो है स्नान करने के पूर्व सूर्य को जल दे करके जो है आपको दीप भी दिखाना है। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पर विराजमान रहेंगे। जब सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे मकर राशि का, तो आपके लिए संपत्ति के योग को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपके आय के अधिपति जब चतुर्थ स्थान पे जाएंगे, संपत्ति भावक क्षेत्र में जाएंगे, तो माता के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य या माता से जो अनबन की स्थितियां शनि उत्पन्न कर रहा था, वह समस्याओं को जो है सूर्य शांत करेगा। होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह मजबूत स्थिति में रहता है तो उसके कुछ नकारात्मक तथ्य भी दिखते हैं, अगर वह पापी ग्रह हो तो। लेकिन वहां पे कोई शुभता ग्रह प्रवेश करता है तो उसके नकारात्मक तथ्य को समाप्त करके जो है सकारात्मकता में बदलता है, वो ग्रह की स्थितियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सूर्य जो है चतुर्थ स्थान में आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख देगा, नए नौकरियों के अवसर को अच्छा बनाने की ओर ले जाएगा, शिक्षा संबंधित विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, सरकार के लोगों से अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क की स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहेगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा आपको अहंकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो अपने अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आय स्थान के अधिपति होने के कारण आपको अत्यधिक इनकम की प्राप्ति करवाने वाला महीना रहेगा 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक का समय, और इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष योगों का लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि पिता के उन्नति के साथ में पिता भी आपके कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आप चाहते हैं कि इस समय सूर्य के बल को और बढ़ाना, तो माता से किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना है, किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है, और साथ में जो है 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में जो है प्रत्येक दिन स्नान करने के पूर्व जो है आपको सूर्य को जल भी देना है और दिव्य भी दिखाना है। तुला लग्न और तुला राशि वाले, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। तीसरे स्थान का सूर्य कभी भी शुभता फल नहीं देता है, यानी कर्म क्षेत्री स्वामी जो है वह प्रकर्म क्षेत्र में जाएगा, तो आपके कुछ फंसे हुए काम को ये सफलता की ओर लेकर के जाएगा। किसी को आपने पैसे दे रखे थे नौकरियों के लिए या व्यापार के लिए, किसी दुकान वगैरह या शॉप वगैरह के लिए, फिर किसी कंपनी हेतु कोई फ्लैट वगैरह या कोई ऑफिस वगैरह के लिए ने जो प्रॉपर्टी वगैरह या देख चुके थे कुछ भी, तो वह संभावनाएं आपको मिलने की बढ़ जाएंगी। इस समय आप अपने पराक्रम के दम पे जो है प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते को खोलने वाले रहिएगा, अपने कॉन्फिडेंट के दम पे जो है आप व्यापार को बढ़ाने वाले रहिएगा। लेकिन मकर राशि का सूर्य जो है निश्चित तौर पे थोड़ा सा मनुष्य को आलस्य और क्रोधीपन की ओर लेकर के जाता है, नीच संगति की ओर लेकर के जाता है, तो आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। पराक्रम को अधिष्ठित करने वाला सूर्य खुद ही जो है पराक्रम के क्षेत्र में विराजमान रहेगा, तो अतः आपको आत्मविश्वासी के साथ भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष योगों को लेकर के यह जो है 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य में आने वाला रहेगा। रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास या अन्य किसी लोगों को आपने पैसे से सहायता किया था, वह पैसे नहीं प्राप्त हो रहे थे तो वह पैसे भी प्राप्त होंगे। प्रेम में स्थिरताएं आएंगी और प्रेम से जो है विवाह के योग महत्वपूर्ण बनने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, आप चाहते हैं कि सूर्य के बल को और अत्यधिक बढ़ाना, तो आप किसी भी कर्म क्षेत्रों पर क्रोध नहीं करना है, बॉस से मतभेद नहीं करना है, और इस समय जो है सरकार से आपको मतभेद नहीं करना है, ताकि अगर नहीं ये काम करते हैं तो सरकार के द्वारा मान सम्मान और किसी चीजों का टीम लीडर आपको चुनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह आपको स्पष्ट तौर पे दिखता है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। अतः सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार के दिन जो है गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा 12 फरवरी तक, ताकि सूर्य का बल आपको अत्यधिक और मिले। अगर गाय ब्राउन कलर का हो तो इसका तो कहना ही नहीं है। धनु लगन और धनु राशि वाले,
अगर आपकी बात मैं करूं तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य आपके कुंडली के द्वितीयक स्थान पर विराजमान रहेंगे। जब द्वितीय स्थान में सूर्य विराजमान रहेंगे तो द्वितीयक स्थान के स्वामी जो होते हैं कोई भी ग्रह हो वह मारक तत्व स्थान होता है। लेकिन सूर्य धनु लग्न और धनु राशि वाले आपके कुंडली के भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं, मतलब भाग्यशाली और भाग्य उदय कारक भी होते हैं। अतः भाग्य द्वितीय होना या द्वितीय का भाग्य से कनेक्शन होना यह राजपत्र अधिकारी योग्य भी बनाता है। अतः अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। प्रमोशन और पदोन्नति के साथ विदेश यात्राओं के महत्वपूर्ण योगों को यह प्रारंभ करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहने वाला रहेगा, धनु लग्न और धनु राशि वाले दयालु स्वभाव भावुकता स्वभाव कभी कभी मनुष्य को ले डूबता है और हमेशा आपके साथ यही घटित हुआ है। लेकिन यह द्वितीय स्थान का सूर्य आपको कड़क वचन बोलने वाला बनाएगा और जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे या जो भी लोग आपको ठग रहे थे या डिस्टर्ब कर रहे थे वह लोग स्वतः जो है आपको आपकी वाणी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब मनुष्य सत्य बोलता है तो ऑटोमेटिक सामने वाले पक्ष वाले दूर होते हैं। द्वितीय स्थान का सूर्य आपके नौकरियों में अच्छे परिवर्तन को लेकर के आने वाला रहेगा। प्रेम संबंध की स्थितियों को निश्चित तौर पे जो है ठीक करने वाला रहेगा। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाएंगे और उसके लिए पर्याप्त धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। पिता के साथ या फैमिली के साथ एक अच्छी यात्राओं पर आप जा सकते हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के टूरिस्ट प्लेस में भी आप घूमने जा सकते हैं। द्वितीय स्थान का सूर्य जो है भाग्य का अधिपति होने के कारण जो है प्रमोशन और पदोन्नति के साथ में जो सरकार के द्वारा कुछ सम्मान और सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे आप जो है कर्म क्षेत्र अपना योगदान देने वाले रहिएगा और किसी प्रकार का भी टेंडर या सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं जो बन रही थी वह मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। द्वितीय स्थान का सूर्य मनुष्य को थोड़ा कठोर वचन बोलने वाला बनाता है और मनुष्य को जो है थोड़ा सा अहंकारी भी बनाता है। अतः आपको 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने क्रोध और कठोर वचन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस समय बुद्धिमानी के साथ कुछ भी बोलना है, कुछ भी अलर बलर नहीं बक देना है। अगर ये काम करिएगा तो शुभता ग्रह भी अशुभता में बदल जाएगा। फिर भी शुभ के सूर्य का शुभ फल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करना चाहिए और ओम जुम सह पालय पालय मिंत्र जय मंत्र है इसका भी प्रत्येक दिन आपको 44 बार अवश्य तौर पे जाप करना चाहिए। धनु लग्न और धनु राशि वाले, मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो लग्न में ही आपके शनि ऑलरेडी विराजमान होकर के जो है सस नामक राज्यों को उत्पत्ति किए हुए थे और वहां पे शनि जो है ऑलरेडी विराजमान भी है और वहीं पे सूर्य भी जो है अपनी शत्रु की राशि में और उसके घर में ही और उसी के लग्न में ही प्रवेश कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है, यह होने पे निश्चित तौर पे मानसिक अस्थिरताएं और क्रोध में वृद्धि हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके कुंडली के आठवें घर के भी अधिपति होते हैं। दो तीन चीजों पर अगर विशेष ध्यान देते हैं, जैसे किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसते हैं, क्रोध पे नियंत्रण करते हैं और मानसिक तनाव पे नियंत्रण करते हैं, तो इसका बेनिफिट भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि इस समय जो है आपको पैर पेट और सिर दर्द की ये हृदय संबंधी जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक होने की कंडीशन पे ले आएगा। जब व्यक्ति नशा करते थे, नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, उसके आदि बन चुके थे, तो आपको जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले सूर्य जो है निश्चित तौर पे जो है आपको उसमें सहायता पहुंचाने वाला रहेगा। लग्न पे सूर्य का विराजमान होना, सूर्य एक ग्रह का राजा है और ज्ञान और आत्मा को अधिनिष्ठ करने वाला ग्रह है, तो इस समय जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी शिक्षाओं की बढ़ोतरी करवाने का प्रयास करेगा। हालांकि सूर्य की दृष्टि किसी भी सूरत पे शुभ नहीं होता है, क्योंकि इसकी दृष्टि में कुरुतापन पाया जाता है। अतः दाम्पत्य जीवन पे दृष्टि पड़ने के कारण विवाह के तो नए अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन इस समय आपको बहुत ही शांत रह करके कन्फर्म करना पड़ेगा कोई भी रिश्ता, कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य के चक्कर में आप आत्मविश्वास और आपा खो दे और कोई भी रिश्ते को हाँ बोल दे। हालांकि सूर्य जो है राज्य कारक ग्रह होता है और राज्य कारक ग्रह जब केंद्र में आएगा तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, प्रबंधन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, सुपरवाइजर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो विशेष लाभकारी के योग बनाएंगे। अष्टमी से जब केंद्र में जाता है तो किसी प्रकार के भी प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा या फिर वसीयत से रिलेटेड संपत्तियों में निश्चित तौर पर कुछ गुड न्यूज और कुछ अच्छी सफलताएं आ जाएंगी जो कई दिनों से फंसे हुए थे। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए जो है निश्चित तौर पर यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, लेकिन अपने अहंकार अपने क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा और अपने धर्मपत्नी से किसी भी हाल में या फिर अपने पति से किसी भी हाल में आपको मतभेद और झगड़ा नहीं करना है। 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में मकर लग्न और मकर राशि वाले, इसके अलावा सूर्य के शुभता फल को और शुभ बनाना चाहते हैं और शुभता फल को कम करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए मैं आपको बताता हूं।
आपको इस समय बहुत ही आसान उपाय करना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन जो है आपको शराब और नशा छोड़ना चाहिए और प्रत्येक दिन घर से निकलते समय आपको जो है मीठी रोटी गुड़ की बना करके किसी भी जानवर को दे देंगे अगर 12 फरवरी तक, तो निश्चित तौर पर बहुत ही लाभ के योग बनेंगे आपके मकर लग्न और मकर राशि वाले। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर सूर्य की बात मैं करना चाहूं तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान रहेगा। द्वादश स्थान में ऑलरेडी शनि भी विराजमान है और द्वादश स्थान के शनि कारक भी होते हैं, वहां पर बृहस्पति विराजमान है और वह भी जो वहां के कारक होते हैं, और बुध भी रहेंगे 25 जनवरी तक, जो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग उत्पत्ति करेगा। तो जब बुध आदित्य योग उत्पत्ति करो और बृहस्पति भी वहां पे साथ में विराजमान रहेंगे तो सूर्य के अशुभता पल में कमी आएगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूर्णता कमी आएगी। अतः आपको कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले 14 जनवरी से 12 फरवरी तक हड़बड़ा करके कोई भी बड़ी वाहनों का जो है परचेजिंग नहीं कर लेना है, कोई भी संपत्तियों का परचेजिंग नहीं कर लेना है, व्यर्थ की यात्राओं में नहीं जाना है, इमोशन में आकर के किसी को पैसे नहीं देने हैं, नहीं तो डूब जाएगा। तो मत बोलिएगा कि मेरा डूब गया, आप तो बहुत अच्छा अच्छा बोले थे, क्योंकि हम सीधा सीधा बोलने वाले एस्ट्रोलॉजर है, ये याद रखिएगा। आपकी भावना और आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है मुझे, मुझे मतलब यह है कि ग्रहों का क्या फल मिलने वाला है। जिस दिन भावना और फीलिंग करने लगूंगा उस दिन पैसे तो अवश्य आएंगे, लेकिन भविष्यवाणियां गलत होनी चालू हो जाएंगी। इसीलिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले किस मुकदमा में व्यर्थ के किसी खर्च में और हड़बड़ा करके महंगी चीजों का परचेज नहीं करना है आपको 12 फरवरी तक। इसके अलावा जो है विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। कुछ लोगों को आपने देख रखा था और आप चाह रहे थे कि उनसे विवाह हो जाए, लेकिन आप उनके साथ कोई अपॉर्चुनिटी या फिर उनके साथ कोई समय एक्सपेंड नहीं कर रहे थे, आप घूमने नहीं जा रहे थे, तो यह रास्ते आपको निश्चित तौर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना लाभकारी सिद्ध रहेगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह भी रहेगा कि इस समय जो है आपके विदेशों से अपॉर्चुनिटी अच्छे आएंगे। जो नौकरी के क्षेत्र में उनको विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, जो व्यापार के क्षेत्रों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे और कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का डायवोर्स का योग चल रहा था या केस मुकदमा की स्थितियां चल रही थी, किसी बिचौलिए के कारण या परिवार के या रिश्तेदार के कारण आप लोग दाम्पत्य जीवन में जो फ्लेक्शन हो चुका था वह इस समय जो है थोड़ा सा बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है। तो अतः इस समय आप किसी भी सूरत में दूसरों के बातों में आकर के अपने दाम्पत्य जीवन को कचड़ा मत करिएगा, यह याद रखिएगा। इस समय आपको पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। परंतु इसके शुभता फल को भी आपको समझना पड़ेगा कि सूर्य का जो है सातवां दृष्टि छठे घर पे पड़ रहा है और छठा घर जो होता है सूर्य के कारण तत्व स्थान होता है। अतः इस समय जो है आपको कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपको कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, शत्रुता आपके समाप्त होंगे और साथ में जो है जीवन के कुछ अच्छे आयाम भी प्रारंभ होंगे। आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को और शुभ बनाना, तो आपको इस समय क्या करना चाहिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक प्रातःकाल जल्दी सो करके उठ करके जो है जल में गुड़ डाल करके सूर्य देव को जो अर्घ के रूप में तांबे के पात्र में दीजिएगा। नहीं करिएगा तो खर्च होने के लिए तैयार रहिएगा, याद रखिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, माफ करेंगे मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपकी मकर राशि का प्रवेश में बताना चाहूं तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो सूर्य आपके कुंडली के छठे स्थान के कारक भी होते हैं। तो जब छठे स्थान के कारक होते हैं तो आपको इस समय जो है धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे, कर्ज की मुक्तियों की स्थितियां बनेंगी, पैरों के कष्ट, हृदय संबंधित, गला संबंधित, मस्तिष्क संबंधित समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा, नेत्र संबंधित समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। आप बड़े फैक्ट्री या किसी भी चीजों के लिए, क्योंकि सूर्य बड़े बड़े फैक्ट्रियों के भी कारक होते हैं, तो जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए कुछ संभावनाएं शुभ और लाभकारी बनने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। मीन लगन और मीन राशि वाले, आय स्थान का सूर्य संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है, तो जो भी छोटे छोटे काम आपके फंसे हुए थे, हो नहीं रहे थे, फाइनेंशियली परेशानियां जो चल रही थी वह दूर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा, राज्य और कर्म क्षेत्र और सरकारी कर्म क्षेत्रों और प्रशासनिक कर्म क्षेत्रों में आपको सम्मान मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा और संतान के अच्छे योग बनने को दिखेंगे, संतान के उन्नति के रास्ते भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा या फिर जो है बहुत दिनों से आर्थिक परेशानियां चल रही थी उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरियों में विवाद हो गया था, छुड़वा दिया गया था,
नौकरी के कुछ लेटर्स नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू भी हो चुके थे, एग्जामिनेशन भी हो चुके थे, सारे कुछ कंप्लीट हो चुके थे, तो 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य में ये संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि संपत्ति और वाहन का योग भी बनेगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं बोलूंगा कि कर्ज के योग में ज्यादा नहीं आइएगा। आपको सूर्य के बल को और बढ़ाना है तो कुछ चीजों पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। बड़े कर्ज लेने से आपको बचने चाहिए, इस समय बड़े भाई बहनों से मतभेद नहीं करनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कर्म क्षेत्रों में विशेष ख्याल रखना चाहिए, और कोई भी काम जो आपके जाने से संभव होता है तो आप जाकर उस काम को करिएगा। सूर्य के बल को और अशुभता, शुभ के कुछ भी अशुभता फल को शुभ बनाना चाहते हैं और सूर्य के बल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो आपको 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में जल में रोड़ी मिला करके अवश्य सूर्यदेव को चढ़ाइए। निश्चित तौर पे अच्छे रास्ते खुलेंगे और अपने आप के आत्मविश्वास को मत खोने दीजिएगा मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन, मकर राशि का प्रवेश का संपूर्ण विवेचन मैंने किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, आशीर्वाद है।